हमने भी कभी किसी से प्यार किया था, हाथों में फूल लेकर इंतज़ार किया था। भूल इनकी नहीं, भूल तो हमारी थी, क्योंकि उन्होंने नहीं, हमने उनसे प्यार किया था। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छे शार थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है आप जहाँ मेरे हैं खुश रहें, आबाद रहें। सुबह का टाइम है और नाश्ता हो जाए, हलवा पूड़ी और चने का, और आप सब लोगों के मुंह में तो पानी आ गई होगा, तो क्या कर सकते हैं, बस देखें और मज़े लेते रहें। हलवा आया था कहीं से, तो मैंने कहा चले सुबह का टाइम है, तो साथ में पूरियां बनाने में कितना टाइम लगता है और चने बनाने में, और वैसे भी छुट्टी हो और दिल करता है ऐसा देसी नाश्ता करने का, और साथ में कड़क चाय हो, पाकिस्तानी तो नाश्ते का मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। तो देखें कितना मज़े का मैंने आज सुबह नाश्ता बनाया है, बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़े से सबने बैठ के खाया। और देखें पूरियाँ, देखें कैसे फूल फूल के जा रही हैं, कि लगता है भूख लगी हुई है। आज मौसम बहुत अच्छा था, दिन को धूप का टाइम था, तो मैंने कहा चले ये जो जंगल बना हुआ है मेरा बैक गार्डन, मैं इसको ज़रा इसकी अमोटी कर लेती हूँ, ज़रा इसको ये मशीन वगैरह मार लेती हूँ। टाइम तो इतना कौन ही लगता मशीन के साथ ग्रास वगैरह काटने में, लेकिन ये है ज़रा थोड़ा बंदा थक जाता है क्योंकि हाथों की ज़रा मेहनत सी होती है। तो मैंने कहा चले ये थोड़ी सी रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि आगे देखिए अब मौसम बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो दिल करता है बैक गार्डन में बैठने के लिए। तो ये देखें इसकी अमोटी मैंने की है, कितना चमक चमक के सामने नज़र आ गया है, सारा आपको नज़र आ रहा होगा। मौसम भी एक तो बहुत प्यारा है, और जब साफ़ सुथरा गार्डन हो तो दिल करता है। मेरी वैसे भी आदत है, मैं बाहर ज़्यादा बैठती हूँ बैक गार्डन में, तो आज दिल कर रहा था माँ और छोले की, जिसको कहते हैं चने और माँ की दाल बनाने की, मेरी अम्मी कहती होती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कि दाल जड़ी निब्बे नाल, आज दिल कर रहा था दाल बनाने को, तो बहुत मज़े की बनी है दाल। मैंने पहले ही उबाल ली थी, ज़रा ये होता है आसानी हो जाती है, साथ में मैंने तड़का भून लिया था। तो ये देखिए कितने मज़े की दाल बनकर तैयार हुई है। और सुनाए आप सब कैसे हैं, ईद आप सब लोगों की कैसी गुजरी? तो ये मेरी थोड़ी सी आज की शेयरिंग थी जो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।